चुप चुप। आनी हाँ बर्गर अस्सलाम वालेकुम। आज लेके हम आइए। बर्गर चाप बनाने जा रहे हैं। जैसे सेम नान चाप बनती है, आज हमारे पास नान नहीं थी तो हम बर्गर के पाव अवेलेबल है, इसलिए हमने बर्गर पाव बनाया है, बर्गर चाप। तो चाप, बर्गर चाप या नान चाप, दोनों की रेसिपी एक ही है। जो भी आपको मिले वो यूज कर सकते हैं। रमजान स्पेशल रेसिपी है ये। तो मैंने इसमें 1/2 किलो चिकन लिया था, उसको लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया और ये शेड करके रखा है। और दो आलू बॉईल करके रखे हैं, उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसमें दो मीडियम साइज की प्याज है और एक बड़ा टमाटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चार पाव मैंने लिया है, बर्गर के पाव लिया है। तो आप चाहे नान लें या ब्रेड ले लें या पाव ले लें, सब में अच्छा रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं कढ़ाई कढ़ाई में। तेल डालते हैं, को तेल को मिक्स कर लेते डोंट टच। अब है ना, तो तेल गरम हो जाए तो इसमें अनियन डाल देते हैं। लेते हैं। अनियन पीछे रहना बेटा। अब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हमें क्या डालना है वो आपको बता रही हूँ। अब हम क्या डालेंगे, टमाटर टोमेटो डालेंगे, इसे कट करके एक बड़ा टमाटर डालेंगे, फिर इसको हम चलाएंगे। आप नहीं गर्म है बेटा। हाँ चला। बस बैठ जाओ, सिट डाउन चलो अनियन। ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी नाइन ब्रांड आ रही है क्या बर्गर, बर्गर अरे चाप। वाह, बर्गर खाते हैं क्या? बर्गर चाप आप खाते हैं? अभी देखिए, अरे टमाटर टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, वो 2 चम्मच डालेंगे हम। बर्गर नहीं, 2 चम्मच डाल के इसे अरे चलाएंगे और इसके साथ में हम अच्छा ये चिकन डाल देंगे ताकि चिकन की थोड़ी स्मेल जो बाकी है वो भी चली जाए। नहीं, अभी से हम थोड़ा सा नहीं, चलाएंगे, नहीं, इसे 5 मिनट तक भूनेंगे मीडियम आंच पे। नहीं, नहीं, देखिए नहीं, अब हम इसमें भूनने के बाद जो मसाले डालेंगे वो देखेंगे। अभी देखो, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है और एक छोटा चम्मच गरम मसाला है और आधा से थोड़ा ज्यादा है काला नमक है और ये खड़ा धनिया और जीरा पाउडर है रोस्टेड और आधा चम्मच हल्दी। जी अब हम क्या करेंगे, ये सारे मसाले इसमें मिला देंगे और मिलाकर इसे थोड़ा चलाएंगे। थोड़ा नमक भी था उसमें, मैं बताना भूल गई, नमक भी इसे मिला दें। अब है ना इसे चलाएंगे। पानी अब हम इसमें ये धनिया और आनी पुदीने वेट के पत्ते जो काट वेट के रखे वेट, हैं, वीडियो चल रही बेटा, जो नाम हुआ है जल्दी से धनिया बोलो, पुदीने के पत्ते जो काट के रखे हैं जल्दी ये इसमें थोड़ा मिला देंगे, बाद में थोड़ा मिलाएंगे। जाओ। अब इसे हम चलाकर ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब ढक के 5 मिनट बाद खोलकर बताती हूँ कि फिर क्या मिलाना है। अब ढक्कन खोल के देखते हैं। अब इसे चला लेंगे। अब इसमें हम 2-3 हरी मिर्ची काट के डाल देंगे, चटपटा बना। अगर आपको अवॉइड करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है। छोटी छोटी 3 मिर्ची मैंने डाला है। अब ये लेमन जूस जो है मैं हाफ डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा जरा कम खाते हैं। आप 1 लेमन डालिए। और ये आलू,
मैश किया हुआ आलू मिला लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसी को धीमी आंच पे हमें 5 मिनट और पकाना है। नमक वगैरह चख लें। अच्छी तरह से चला लें। जो ये बची हुई धनिया पुदीना है इसे भी हम और डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सी बटर ऊपर से डाल के मेल्ट करके मिला लेते हैं। अब हमारी फिलिंग लगभग तैयार हो गई है, उसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर 5 मिनट बाद खोलकर आपको बता देंगे। अब 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं, अब हम देखते हैं। देखिए अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हमारी फिलिंग एकदम रेडी हो गई है, इसे हम ठंडा करके फिल करेंगे, इसलिए हमने प्लेट में निकाल दिया। जिसमें आलू मैश किया था वही प्लेट में मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये फैला हुआ है और जल्दी ठंडा हो जाएगा। चलिए अब ठंडा हो जाए, जब तक मैं आपको ब्रेड ब्रेड में कैसा असेंबल करते हैं वो बता देती हूँ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है। अब हम क्या करेंगे, फ्लाइंग पैन है ना, मैंने नॉन स्टिक लिया है, इसे चूल्हे पे रखा है गर्म करने के लिए। अब इसको असेंबल करेंगे हम। आप ब्रेड के साथ भी इसे बना सकते हैं, नान के साथ भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से भर के लगाइए ताकि एकदम टेस्टी लगे। ये एक हो गए। दूसरा भी लगा देते हैं। इसी तरह से हम चारों को लगा लेंगे, जितना आपको बनाना है, 4-6 जितना भी है। ऐसे प्रेस कर लें, फिर इसके बाद हम इसको पैन में डालेंगे बटर। बटर को फैलाएंगे थोड़ा और फिर ये ब्रेड बन। तब ये बन को हम इस तरह से रख देंगे और धीमी आंच पे इसको सेकेंगे। अब हमारा बर्गर चाप रेडी हो गया है। आप सर्व करें इसे, आप इसे खाएं रमजान में, अफ्तारी के टाइम पे बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अब मैं लेजी हो गया। दीदी हो गया, अब खाएंगे आप? गरम है ना? कैसा लगता है आपको? सबको बोल दो चैनल को क्या करते हैं हम, चैनल को लाइक करते हैं और शेयर कर देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।